और दोस्तों आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और हम सब ने एक नई तरह की ऊर्जा भूखने के लिए आप सबको बताया कि एक ही व्यक्ति है जो उस स्तर की ऊर्जा हम सब में डाल सकता है और वो है प्रोफेसर आनंद कुमार। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आनंद सर को क्या है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। खोलने में कहा गया था भीड़ को खोलने में, लोगों को लाने में, संगठन को बनाने में, अगला कदम उठाने में व्यस्त दिखाई पड़ते हैं। तो जैसे प्रशांत भूषण जी ने स्वराज अभियान नाम के इस ऐतिहासिक संकल्प को अगले दौर के लिए और आपके विधान में एक अवधि होती है पदाधिकारियों की और उनके साथ ही एक अध्यक्ष, ये सचिव महासचिव, वैसे ही जो फैसला आपने पार्टी बनाने का किया है स्वराज इंडिया, उसके अध्यक्ष के रूप में हमको खड़े होकर अभिनंदन करना है जो यादव का, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता स्वीकार की है। थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा हिंदी मिला के चलना पड़ेगा, आपको मालूम है कि हम लोग अंग्रेजी हटाओ आंदोलन वाले थे और हाँ जी, लेकिन अंग्रेजी हटाओ से भारत मिटाओ अगर होने लगे तो रोकना पड़ेगा। जब तक हम तमिल लाओ, बांग्ला लाओ, पंजाबी लाओ, उर्दू लाओ नहीं करेंगे, अंग्रेजी हटाओ वाला मामला अधूरा लगेगा। फ्रेंड्स, वी हैव वेलकम प्रशांत भूषण एंड विद अ सेंस ऑफ डीप ग्रेटिट्यूड we have accepted him as our unanimous new president for Swaraj Abhiyan. Similarly, after successfully leading Swaraj Abhiyan and taking it to village India through Jai Kisan Andolan, Sambodhana Yatra and petition against drought in 12 states of the country, we have requested, persuaded and is very happy news for all of us that Yogi Yadav has agreed to become the first president of Swaraj India. It is a moment of high achievement for Swaraj Abhiyan. Aaj Swaraj Abhiyan ke bare mein mujhe aapke number one volunteer hone ke nate ट्रेन में, बस में, नुक्कड़ पर, क्लास में, बड़ी महफिल में, छोटे नुक्कड़ पर बताने की जरूरत नहीं कि स्वराज अभियान क्या है। आज से 8 महीने पहले तो जरूरत पड़ती थी। अच्छा अच्छा आप लोग तो तब भी जो लोग जानते थे मीडिया की वजह से और हमारे मित्रों की मेहरबानी से, वो लोग अच्छा आओ आप योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की पार्टी में काम कर रहे हैं, तो वो सुन करके अच्छा लगता था क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में देश में और बहस चाहे जो हो, ये बहस तो हो ही नहीं सकती कि ये लोग अवसरवादी हैं। असल में तो इनको आम आदमी पार्टी से इसीलिए निकाला गया कि सर जी आप तो बहुत सिद्धांतवादी हो, आपका यहां क्या काम है, तो कुर्सी आगे कुर्सी सिद्धांत के लिए थोड़ी होती है, सिद्धांत कुर्सी के लिए होता है। अगर कुर्सी पर हम बैठ गए तो सिद्धांत का भी हम चल गए कहेंगे और आप बाहर जाओ। तो अभी तक तो वही पर्चे था, लेकिन पिछले 4 महीने में पर्चे हमारा बदल गया। अच्छा आप जिसने सर्वोच्च न्यायालय को घंटों घंटों जगाने का काम किया सूखे के खिलाफ, यू आर दी वॉइस ऑफ द फार्मर्स ऑफ इंडिया, आप गांव की आवाज बन गए हो, आप किसान की आवाज बन गए हो, और इससे बहुत संतोष हो रहा था। फिर अमन कमेटी के जिक्र होने लगा। अच्छा आप लोगों ने देश भर के उन लोगों को जोड़ने का काम किया है जिनको ये हाफ पैंट वाले और फुल पैंट वाले देश का दुश्मन कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं नफरत की राह पर मत चलो, मोहब्बत की राह पर चलो। अच्छा
आपने अमन कमेटी के बहाने देश भर के सांप्रदायिकता विरोधी लोगों को जलाने का जिम्मा लिया है। हम देखते हैं कि आपके बाजू में कितना दम है, और फिर भी हमारी एक पहचान बन गई। ऐसे ही शिक्षा स्वराज का काम जिस संगठन ने किया, कई राज्यों में यहां शिक्षा स्वराज की रिपोर्ट लेके लोग आए हैं। हर घर में अगर एक इच्छा है तो ये कि हमारा बच्चा और बच्ची अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर ले, तो वही जिंदगी का रास्ता खोलेगा। और हर घर में अगर कोई एक परेशानी है तो ये कि पढ़ा तो रहा है लेकिन पता नहीं इसका क्या होगा, पढ़ाई असली है कि नकली है, डिग्री सही रहेगी कि नहीं रहेगी। शिक्षा स्वराज की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं इन्होंने भी पहचान दी है। एंटी करप्शन टीम इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद एक सन्नाटा हो गया था। अन्ना जी को गांव लौटना पड़ा, उनके साथ जुड़े भ्रष्टाचार विरोधी लोगों को समझ में नहीं आता था कि आगे कौन हमारी मदद करेगा। और फिर हमने एंटी करप्शन टीम का सम्मेलन जब किया तो जस्टिस देख रहे जस्टिस शाह से लेकर के छोटे छोटे जिलों के आईटीआई यात्री साथ इकट्ठा हो गए और उनको भी कहानियां बताई। उससे उनसे ये देश को पता लगा कि अगर स्वराज अभियान के लोग इस काम पर आगे बढ़ाएंगे तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आगे जाएगी। और ऐसे ही स्वराज के लिए का काम। लेकिन साथियों, पिछले दो हफ्तों में हिंदुस्तान के कस्बे कस्बे में स्वराज अभियान का नाम फिर से फैला, क्योंकि एक आदमी जिसने कम से कम 30 कत्ल किए हैं, डाके डाले हैं, गुंडर की थी, हुकूमत को अपने घुटने के नीचे रखता था, बिहार के चीफ मिनिस्टर के जो चुनौती देता था, उस आदमी को स्वराज अभियान के नेता प्रशांत भूषण ने वापस जेल भिजवा दिया। तो एक तरफ स्वराज अभियान उन लोगों का संगठन है जो देश की सर्वोच्च न्यायालय के जरिए 12 राज्यों के हुकूमत चलाने वालों को सरकार के लिखे कानून सिखाने का काम करता है, सूखे के राहत की लड़ाई लड़ने का काम करता है। दूसरी तरफ स्वराज अभियान उन लोगों का भी संगठन है, उन लोगों के नेतृत्व में चल रहा है जो गुंडों के दांव में दांव लगा करके वापस उनको जेल भेजने का काम करते हैं और आगे भी करते रहे। Today I don't have to give you many welcome points because we are all together to take a collective risk. There is no doubt about it. But to talk about a new politics, to talk about attacking crime politics nexus, to talk about participatory democracy is to invite collective attack of all political parties of all various shapes and flat colors, because they are all becoming expert in getting to the top of the power through manipulating this system through three ends: money power, muscle power and media power. So किसी को हमारा उठ के खड़ा होना ठीक नहीं लग रहा है, और उनको तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है जो सूबों के सरदार बने हैं या देश के सरदार बने हैं, क्योंकि हम उनके लंगोटिया पूंजीराज को पर्दाफाश कर रहे हैं। हम सुधार की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। आप में से कई लोगों को मालूम होगा कि 400 से ज्यादा नाम आए थे कि पार्टी का नाम क्या रखेंगे, और कई में दो शब्द बराबर आए, स्वराज और क्रांति। कई कारणों से हम स्वराज क्रांति नाम नहीं रख सके। स्वराज तो बचा लिया हमने, लेकिन इस जनतंत्र को बचाने के लिए क्रांति से कम कोई कदम कुछ कर नहीं सकता है। बहुत बड़े बड़े सुधार हो चुके हैं लेकिन हालत बिगड़ती जा रही है। मरीज को जितनी दवा करे उतना बीमार होता जा रहा है, और इसीलिए जो आपका मजमा है ये तो विश्व के शेर के लिए सबसे महत्वपूर्ण मजमा है। उस मजमे के बारे में अगर कोई पूछेगा कि ये कौन लोग हैं, तो ये वो लोग हैं जो जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए नहीं आए हैं, जनतंत्र को बचाने की जंग में जीतने के लिए आए हैं। चुनाव में जीतने वाले बहुत आए और चले गए, कुछ कुर्सियों पर बैठे हैं और कुछ जेलों में बंद हैं, और वो करीब करीब बहुत बैठे हैं। लेकिन जनतंत्र को आगे बढ़ाने की जंग जीतने के लिए हम लोग आए हैं, और इसके लिए स्वागत नहीं अभिनंदन के शब्द कहने चाहिए।
हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं उस पीढ़ी की तरफ से जिसने जयप्रकाश के साथ संपूर्ण क्रांति का सपना देखा था। हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं उन लोगों की तरफ से जिन्होंने अन्ना के साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखा था। बहुत लोग सफर में साथ चले थे, कोई इस नुक्कड़ पर छूटा, कोई इस नुक्कड़ पर छूटा, कोई विधानसभा में फंस गया, कोई लोकसभा में फंस गया, आप हैं जो लगातार चलते चले आ रहे हैं, इसलिए आपका अभिनंदन करना हमारा ऐतिहासिक कर्तव्य है। मुझे दो ही सवाल आपके सामने रखने। पहला सवाल तो यह है कि आप पूछ करके आए हैं और हमारे वोट में भी आया, 80% से ज्यादा लोगों ने कहा कि इतनी पार्टियों की भीड़ में एक नए पार्टी की जरूरत है कि नहीं है। 80% लोगों ने कहा कि जरूरत है स्वराज अभियान के, 80% लोगों ने। 10% से कम ने कहा कि जरूरत नहीं है और 10% के आसपास के बात हमको मालूम नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि हमें मालूम नहीं कि क्या पार्टी बनाने से काम बनेगा, नहीं बनाने से काम बनेगा। आपको फिर पूछना है, पार्टी बनाने के फैसले के बाद पूछना है कि नई पार्टी बेहतर पार्टी होगी तो उसके लिए क्या करना। जवाब साफ है, बेहतर पार्टी वही होगी जिसमें बेहतर लोग होंगे, बेहतर पार्टी वही होगी जिसका बेहतर कार्यक्रम होगा, वो आपके सामने आने वाला है। बेहतर पार्टी वही होगी जो जनता से अपने रिश्ते बेहतर बनाएगी। खराब लोगों का मजमा बनाने से पार्टी नहीं बनेगी। तो अगर मेरे अंदर कोई खराबी है तो जैसे मां का पैर छूने के पहले आप स्नान करते हो, वैसे अपने संकल्प के बावजूद अगर कोई कहीं छोटी छोटी खराबी मेरे अंदर है, आपके अंदर है, तो उसको हमको पार्टी का सदस्य बनने के पहले छोड़ देना पड़ेगा। ये पार्टी दोनों वालों की पार्टी होगी, दोनों वालों की पार्टी नहीं है। अगर दोनों वाली पार्टी में आप जाना चाहते हैं तो यहां जो मंच पर लोग बैठे हैं आपको तो मालूम ही है, शांति भूषण जी आपके नाम पर पैरवी कर देंगे तो हिंदुस्तान की हर पार्टी में एक टिकट तो आपको मिल ही जाएगा लोकसभा विधानसभा का। हमारी बाकी मंच पर बैठे लोगों की भी छोटी मोटी हैसियत इतनी तो है ही है कि अगर आपको लेने वाली पार्टी चाहिए, तभी तो हाथ में हमने बनाई थी दिल्ली में बैठा रखा है कुर्सी पर, और पार्टियों के भी लोग हैं, लेकिन अगर दोनों वाली पार्टी आपको चाहिए तो ये एक नई पार्टी बन रही है, क्योंकि दोनों वाली लोगों की पार्टी आज बची हुई है। कम्युनिस्टों की पार्टी देने वालों की होती थी, उनका क्या हाल है देख लीजिए। वो कांग्रेस की दुम में अपनी पुरुष पाल करके बैटरी पार करना चाहते हैं। उन्होंने मेधा पाटकर पर हमला किया, किसानों की जमीन बचाने के लिए मेधा पाटकर गई थी, वो टाटा को जमीन देना चाहते थे, मार से लड़ी आसमान से रोने लगे। ऐसी कौन सी पार्टी बनाती हमने जो बिरला और टाटा और अंबानी के लिए किसानों पर हमला करती, राम मनोहर लोहिया रहते हैं हर रात सपने में, हमने ये कौन सी पार्टी बना दी है। हमारी विरासत तीनों हाथ में चली गई है कि समाजवादी का मतलब था खानदानवाद का विरोधी, नेहरू का विरोध करने में, कांग्रेसियों का विरोध करने में लोहिया खानदानवाद के सबसे बड़े विरोधी थे। आज समाजवाद के नाम पर, लोहियावाद के नाम पर उत्तर प्रदेश की मतलब उनके हाथ में है जिन्होंने खानदानवाद की हर सीमा पार कर दी है और आज भी अपने को समाजवादी कहते हैं। ऐसे ही ये राष्ट्र की सेवा करने वाले सेवक संघ जो राष्ट्र को तोड़ने की गारंटी लेना चाहते हैं, एक बार तोड़ा था सांप्रदायिकता के सवाल पर 1946-47 में, आज रोटी के सवाल को तोड़ना चाहते हैं, आज आस्था के सवाल को तोड़ना चाहते हैं। ये राष्ट्र के सेवक नहीं है, राष्ट्र निर्माता तो कतई नहीं है। और कांग्रेस गांधी से लेकर के जिसके अध्यक्ष की परंपराओं में मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, आचार्य कृपलानी हुआ करते थे, अब एक ही पार्टी, उसका एक ही परिवार, मम्मी अध्यक्ष, बेटाओं का अध्यक्ष और महामंत्री की कुर्सी खाली रहेगी बिटिया के लिए, नाती पोते तो होने ही वाले। कांग्रेस और भारत की पार्टी नहीं रह गई, कांग्रेस और सोनिया गांधी की पार्टी हो गई। तो साथियों नई पार्टी की इसीलिए जरूरत है, लेकिन ये अच्छे लोगों की पार्टी होगी तभी चलेगी। पंचर पहिया वाली बहुत सी गाड़ियां खड़ी है बाहर, आप भी एक पंचर पार्टी बना दोगे तो उस पर चढ़ने के लिए सवारी नहीं मिलेगी। और दूसरा, पार्टी को चुनाव का औजार बनाना है,
लेकिन चुनाव एक ऐसा लट्टू है जो खाए वो पछता है और जो न खाता है वो और पछता है। मैं चुनाव लड़ा हूं इसी दिल्ली से, योगेंद्र जी चुनाव लड़े हैं और भी कुछ लोग हैं। ये चुनाव चाकू जैसा है, इससे आप अपने उंगली काट सकते हो, फल काट सकते हो, सब्जी बना सकते हो, लेकिन चुनाव जीतने के लिए अगर आपने हर कर्म कुकर्म करने का फैसला किया तो जीतने के बावजूद आप विजय नहीं कहलाते हैं, आप कह जाते हैं तिकड़मबाज, आप कह जाते हैं भ्रष्टाचारी, आप कह जाते हैं जनतंत्र विरोधी, आप कह जाते हैं राष्ट्र विरोधी। तो ये स्वराज इंडिया के चुनाव के मोर्चे पर भी काम करना है। हम में से कुछ लोग जो इतिहास को ज्यादा नहीं जानते, नहीं मानते, समझते कि चुनाव वाहियात काम है, ये आपद धर्म है। हाँ, हमारे महानायक गांधी और जयप्रकाश को कोई चुनाव नहीं लड़ा था और मुझको पूरी गारंटी है कि चुनाव लड़ते तो हाथ के जरिए, तब भी चुनाव लड़े थे कितना तीस जमाने में भी, अब तो और ज्यादा हो गई। लेकिन चुनाव एक औजार है, चुनाव एक तरीका है आम लोगों और खास लोगों के बीच में जिम्मेदारी के रिश्ते बनाने का। लेकिन अगर चुनाव नशे की तरह हो गया तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए चुनाव को बदलाव के तरीके के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अगर पार्टी आगे बढ़ेगी तो चुनाव में आप हारेंगे कि जीतेंगे इसकी चर्चा कम होगी। चुनाव आप लड़ते कैसे हैं, किन मुद्दों को उठाकर लड़ते हैं, किन लोगों के साथ लेकर लड़ते हैं, किनको चुनाव का उम्मीदवार बनाते हैं, इसकी चर्चा ज्यादा होगी। तो चुनाव हुआ था ऐतिहासिक और मेरी यह आखिरी बात है। इसके बाद आपका अभिनंदन आज करने के जो सचमुच अधिकारी हैं स्वराज अभियान के प्रथम नायक के रूप में भाई प्रशांत भूषण जी का स्वागत भाषण होगा। मैं चुनाव के बारे में यही बता दूं कि जब चुनाव को आप सिद्धांत की टकराव का मौका बनाएंगे, कार्यक्रम के मुकाबले का मौका बनाएंगे, चरित्र की चुनौती का मुकाबला बनाएंगे तो आप हारेंगे कि जीतेंगे ये बहस बाद में होगी। आप लड़ते कैसे हैं, किनके लिए लड़ते हैं, ये बहस ज्यादा चलेगी और ये आज कोई कल नहीं रहा है। इसलिए अगर कोई आपसे पूछेगा, मुझसे कोई पूछेगा, तो मैं तो कहूंगा कि हाँ एक नई पार्टी की गुंजाइश है, क्योंकि चुनाव हर अगले चुनाव में पिछले चुनाव से खराब होता जा रहा है। लेकिन चुनाव से अगर पीछे हट गए, बहुत से लोग हमको मिलते हैं चुनाव के दिन, अरे तुम्हारी उंगली में क्या लगा है यार, स्याही लगी, कैसे लगी, दो धो, नहीं स्याही नहीं धो, हमने वोट दिया है आज, अच्छा वोट नहीं गया, हम तो नहीं गए, क्या यार ये वोट फालतू चीज बकवास, किसको वोट दे, गलत सोच है। अगर कोई चीज बिगड़ रही है, पुरुषों की दी हुई विरासत बिगड़ रही है, तो उसको सुधारना आपका काम है, उसको लापरवाही से छोड़ देना आपका काम नहीं है। आपको मालूम नहीं है कि चुनाव में वोट देने के अधिकार को लेकर कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है दुनिया में, भारत में नहीं दुनिया में, स्विट्जरलैंड में औरतों को 1971-72 तक वोट देने का अधिकार नहीं, जैसे शांति भूषण जी के पूज्य पिताजी राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी माता जी भी जेल में थी 1 साल के लिए, तो उनका सपना था कि एक दिन ऐसा होगा कि हमारे बेटे नाती पोते इसका अधिकार पाएंगे कि हम किसको अपना प्रतिनिधि बनाए, प्रवक्ता बनाए, वो इंग्लैंड से नहीं आएगा, वो खानदानी राजा महाराजा नवाब नहीं होगा, उसको चुनाव देने का वोट देने का अधिकार होगा। ये बहुत जबरदस्त अधिकार है और अभी पूरी तरह से मिला नहीं, इसलिए हमको कभी कभी ये खराब लगता है। जिस दिन ये पूरी शक्ल ले लेगा उस दिन चुनाव सचमुच लोक शक्ति का उत्सव बनेगा। वो था 1977 में, आपने से कितने लोग 1977 में वोट किया था बताइएगा, 77 में है 10% लोग हैं, क्योंकि 77 में वोट देने का मतलब है कि आप उस दिन 18 साल से ऊपर थे, 18 में 21 साल से ऊपर थे, तो आज अगर आप हैं यहां पर तो आपकी उम्र 70 के आसपास होनी चाहिए। कितना बड़ा खतरा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, हर देशभक्त को गद्दार कहकर जेल में बंद कर दिया गया था और 18 महीने 19 महीने की काली रात थी और लोगों को कह रहा था कि जब तक ये जिंदा रहेंगे ये शैतान की औलाद
ये आजादी को वापस नहीं लाएंगे, अखबार पर आजादी नहीं रहेगी, कचहरी में बोल नहीं सकेंगे, पुलिस वालों का डंडे का राज चलेगा, गुंडे का राज चलेगा। लेकिन वोट के जरिए थप्पा मार करके उन्होंने गाय पछले दोनों को बर्बाद कर दिया, राजनीति से बाहर कर दिया, तानाशाही को हरा दिया, लोकतंत्र को वापस लिया। और दोबारा तानाशाही न आए ऐसे कानूनी कलम बनाने का काम किया उस संसद ने। और उसको बनाने वाले जो उस समय के न्याय मंत्री थे, हमारा परम सौभाग्य है कि इस नई पार्टी के पहले सदस्य का नाम शांति भूषण होगा, जो इस देश के लोकतंत्र को बचाने वालों को देखा जाए। तो बड़ी जिम्मेदारी है, नागरिक धर्म का निर्वाह करना है, देश धर्म का निर्वाह करना है, लोकतंत्र की सीता को रावण हर ले गया है और उसको लाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और ये हमारी बानर सेना यहां पर है, हम लोगों में से कोई राम और रहीम, रहमान और जीसस तो हो नहीं सकता, लेकिन हम अपने कई चार कदम चलने में इस मुल्क की मदद कर सकते हैं। क्योंकि आज राजनीति में ऐसे लोग ज्यादा आ रहे हैं जो कुछ बनना चाहते हैं, करना नहीं चाहते, कुछ हो जाए। और ये आपका देश नहीं है, अंग्रेजों में भी कहावत है, द पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ स्काउंडल्स, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता वो सियासत में आ जाता है। और ऐसे बहुत से लोग हम देख रहे हैं यहां वहां। लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिक्स इज कॉल ऑफ नेशन बिल्डिंग, पॉलिटिक्स इज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ आर कमिटमेंट फॉर कलेक्टिव गुड। और इसलिए राजनीति के ये जो दो रास्ते हैं उनमें से हमारा रास्ता हासिल करने वालों का नहीं है, देने वालों का है। और इसमें अगर कोई ऐसा आ गया है, आज भी हो, मेरे जैसा भी हो, यार कुछ मिला नहीं, कुछ तो मिल जाए, तो भाई दूसरी गाड़ी है, प्लेटफॉर्म नंबर पर उसका अलग हम बता देंगे आपको, बाद में मिल लीजिएगा। यहां पर तो आपको जिला कमेटी से लेकर के राष्ट्रीय कमेटी तक तन मन धन तीनों देना होगा। आइए हिंदुस्तान की उदास हो रही जनता को यह खबर दे कि घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे लोगों के संगठन बनाना बहुत कठिन है, इसीलिए हमको भी पार्टी बनाने में 1.5 बरस का टाइम लगा। लेकिन आज मैं गारंटी से कहना चाहता हूं, आई कैन टेल यू विद अथॉरिटी, आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द कंट्री अंडर द बैनर ऑफ स्वराज अभियान फॉर लास्ट 18 मंथ्स विद फ्रेंड्स लाइक प्रशांत जी, योगेंद्र जी, अजीत जी, सोमनाथ जी, मेनी अदर्स। दिस इज लुकिंग स्मॉल बट स्वराज अभियान इज टुडे द मोस्ट एक्टिव बेस्ट कलेक्शन ऑफ गुड पीपुल ऑफ दिस कंट्री एनीवेयर। ये हिंदुस्तान के 1 अरब 30 करोड़ लोगों का छोटा मंच जरूर दिखता होगा। इसी हाल में हमने 400 लोगों का इंतजाम किया, पीछे करीब 50-60 साथी अभी भी खड़े हैं। लेकिन मैं आपको पूरे हिंदुस्तान की 1.5 बरस की यात्रा के बाद, संवादों में हिस्सा लेने के बाद, आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अच्छे लोगों का इससे ज्यादा सक्रिय, संगठित और व्यवस्थित कोई संगठन अभी नहीं है। इसलिए आप जो कर रहे थे पिछले 1.5 साल में उसके नतीजे अच्छे निकले हैं। एक बंजर की आपने खेती करने की कोशिश की और आज उस बंजर में उपजाऊ का आ गया है। जो पौधे बनाना आप चाहते हैं, जो बीज आपने डाले थे, वो जवानों के रूप में, नई उम्र के लड़के लड़कियों के रूप में, कस्बों और गांव के किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में स्वराज अभियान से जुड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर है, आइए इसका अभिनंदन करें, आप सबका स्वागत करें। और अगले 6 घंटे में इस देश को आगे ले चलने वाली एक राजनीतिक पार्टी को जन्म देने के काम को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।